नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे लंबे पुल के उद्घाटन के लिए असम पहुंचे थे। मोदी थे तो असम में, लेकिन जिस पुल का उद्घाटन कर रहे थे उसका गुजरात से भी कनेक्शन है, और कनेक्शन है भगवान कृष्ण के जरिए। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उस स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है जो कभी कुंडिल नगर के रूप में जाना जाता था और द्वारका के नाथ श्री कृष्ण यहां पधारे थे। मेरा जन्म गुजरात में हुआ जहां द्वारिका जी हैं, और श्री कृष्ण भगवान का नाता कुंडिल नगर से रहा, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि उस विरासत पर आकर के। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को असम में देश के सबसे बड़े ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया। पुल का उद्घाटन करने के बाद यहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इस पुल का नाम असम के मशहूर लोक गायक भूपेन हजारिका के नाम पर रखने का ऐलान किया। आज जब मैं इस महत्वपूर्ण ब्रिज का लोकार्पण कर रहा हूं, आपके यहां इसको ढोला सदिया दलंग के नाम से जानते हैं आप लोग। आज एक ऐसा अवसर है कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है इस दलंग को अब से हम इसी धरती के संतान, जिसकी आवाज ने हिंदुस्तान को आज भी प्रेरणा दी है, और इसी धरती के संतान श्रीमान भूपेन हजारिका, ये इस ब्रिज का नाम भारत सरकार ने भूपेन हजारिका के नाम से करने का तय किया है। इस धरती के संतान को ये हमारी उत्तम श्रद्धांजलि है, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला ये नाम। वो ब्रह्मपुत्रा के सपूत थे, वे ब्रह्मपुत्रा के उपासक थे, उनकी हर बात में ब्रह्मपुत्रा का गुणगान हुआ करता था। वो जिए भी ब्रह्मपुत्रा का गुणगान करते लिए, वो जीवन भर ब्रह्मपुत्रा को देश और दुनिया में परिचित कराने का अद्भुत काम उस महापुरुष ने किया था। आज इस उसी महापुरुष के नाम पर इस सेतु का नाम भी, इस ब्रिज का नाम, इस दलांग का नाम भूपेंद्र हजारिका के नाम से जोड़ने का हमने तय किया है। मैं फिर एक बार श्रीमान सर्वानंद जी को, उनकी पूरी टीम को, असम की एक साल की सरकार को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं संतोष प्रकट करता हूं कि एक साल में ऐसे ऐसी कठिन बातों को उन्होंने स्पर्श किया है, हाथ लगाया है और रास्ते खोजने का प्रयास किया है। पहली बार सरकार बनी हो, पहली बार मुख्यमंत्री का दायित्व आया हो, और 15 साल तक असम का जो हाल हुआ था, ऐसी परिस्थिति में से असम को बाहर निकालने के लिए जो मेहनत यहां की सरकार कर रही है, यहां के मुख्यमंत्री और उनकी टीम काम कर रही है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी ने अपनी स्पीच की शुरुआत स्थानीय भाषा में की, साथ ही गुजरात का लोकल कनेक्शन बताना नहीं भूले। मोदी ने भीड़ से अपील की कि सभी अपना मोबाइल फोन निकालें और उसकी फ्लैश लाइट ऑन करके मैसेज दें कि स्थानीय जनता इस खुशी के लिए किस तरह जश्न मना रही है। भारत माता की, भारत माता की।
नमस्कार। आज ये शुभ मुहूर्त उपस्थित हुआ सकलौ राइजर मोई आंतरिक श्रद्धा आए अभिनंदन जनाइशो। लगते समस्त असमवासी राइजिक नमस्कार जनाइशो। मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान बनवारीलाल जी पुरोहित, असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान सर्बानंद जी सोनोवाल जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान राजेंद्र गोहन जी, राज्य सरकार के मंत्री भाई परिमल जी, श्री पल्लव जी, अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्रीमान चोवना मेरन जी, हमारे सांसद श्री रामेश्वर तेली जी, प्रधान बरुआ जी, कामाख्या प्रसाद तांसा जी, विधायक श्रीमान वोलिन चेतिया जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज अनेक वर्षों से आप जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वो दलोंग का निर्माण हो गया, लोकार्पण हो गया। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं इस खुशी के समय आप अपना मोबाइल फोन बाहर निकालिए, अपने मोबाइल फोन का फ्लैश लाइट कीजिए और सबको ये सिग्नल दीजिए कि कितना बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप लोग। हर कोई अपने मोबाइल फोन का फ्लैश चालू करे, शाबाश। हर कोई चारों तरफ, हर कोई, हाँ, लगना चाहिए कि बड़ा उत्सव मना रहे हैं आप। हर किसी की लाइट चलनी चाहिए, हाँ, वहां पीछे भी हो रहा है अब। वाह, देखिए कैसा उत्सव मनाया जा रहा है। ये सारे कैमरा वाले भी आप ही को ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भाइयों बहनों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उस स्थान पर आने का सौभाग्य मिला है जो कभी कुंडिल नगर के रूप में जाना जाता था और द्वारका के नाथ श्री कृष्ण यहां पधारे थे। मेरा जन्म गुजरात में हुआ जहां द्वारिका जी हैं और श्री कृष्ण भगवान का नाता कुंडिल नगर से रहा, और आज ये मेरा सौभाग्य है कि उस विरासत पर आकर के NMF News की रिपोर्ट।